वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, एडवेंचर स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए बैग के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दो बैग के बारे में, मगर मैं आज फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं और दो ब्रांड के बारे में बात करूँगा। पहला जो है वो ट्रिपोल है एंड सेकेंड वापस है ट्रेवोक है, लेकिन एक दूसरे लीटर्स में है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन दोनों बैग के बारे में इनकी डिटेल्स। और राइट दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिपोल खुलना चाहूंगा। पैकेट तो काफी बड़ा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ट्रिपोल जो है ये एक्चुअली मैंने 65 लीटर ऑर्डर किया है। चलिए देखते हैं अंदर कैसा है। हालांकि ट्रिपोल का रिव्यू बहुत ही अच्छा है, एज अ प्रोफेशनल ट्रैवल बैग के हिसाब से देखा जाता है इसे। ये रहा ट्रिपोल। दोस्तों को निकालते हैं। ये रहा दोस्तों ट्रिपोल। अब आइए इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो ये फर्स्ट इसका फीचर है, जिसे कहा जाता है शू कंपार्टमेंट। बहुत ही जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वक्त मैं नहीं लूंगा। इस तरीके से है, यहां से एक इंटरनल हिडन कंपार्टमेंट है। आप चाहे तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनली, यानी अगर आपने कुछ बैग के बॉटम में रखा है और आपको इमरजेंसी है उस बॉटम वाले को, तो आपको टॉप सेक्शन को नहीं खोलना होगा। आप इस सेक्शन को खोल के यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसे आप शू कंपार्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बेसिकली उसी चीज़ के लिए ही दिया है। जिप क्वालिटी इज ओके, YKK नहीं है। हालांकि ट्रिवोक में YKK था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने रिव्यू दिया था। अगर बात की जाए रेनकोट की, रेनकोट सेक्शन है यहाँ पे बना है पीछे की तरफ में। ये देखते हैं रेनकोट कैसा है दोस्तों। अच्छा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट रेनकोट। ट्रिपोल इनका ब्रांड लोगो बना हुआ है एंड इस के ऊपर भी ये भी लिखा हुआ है, ये 50-75 लीटर्स दोनों में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास तो है। इसे वापस अंदर रख देते हैं। काफ़ी जगह कम है हाथ डालने के लिए। ये रहा फ्रंट सेक्शन इसका, इस तरह से दिखता है कुछ। काफ़ी लंबा हो गया अब बैग में ओरिजिनल शेप में आने के बाद। फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मजबूत टिकाऊ। बैक साइड में भी एक जिप है, जिपर पॉकेट है। ये यहाँ पे चला आता है दोस्तों, देखिए आप देखिए एक पॉकेट आपके यहाँ है। ये एक ही सिंगल वॉल है दोनों पॉकेट के, आप इधर से पॉकेट हो या अंदर से पॉकेट हो, दोनों का वॉल एक ही है दोस्तों। हम इस पॉकेट को भी फिलहाल बंद कर देते हैं। और जो तो पीछे साइड में जो पॉकेट है उसको भी बंद कर देते हैं। और हम
इंटरनल पार्ट को जरा एक्सप्लोर करके देखते हैं। अच्छा है काफी, डबल थ्रेडिंग मैंने बना के रखा है। पैडिंग ठीक ठाक है, मैं कहूँगा एल्युमिनियम सपोर्ट के लिए है शायद, जिसको इन्होंने एल्युमिनियम फ्रेम कहा है ताकि ये बैक सीधा रहे बिल्कुल। तो ये शायद वही चीज़ है जिसके बारे में जिक्र इन लोगों ने किया था अपने फीचर्स में कि एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है। और बैक के अंदर की बात की जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये खोलना चाहूँगा। इसमें कोई लूप नहीं है दोस्तों, लूप सिस्टम होना चाहिए था बट लूप है नहीं। यहाँ पर ऊपर की तरफ में एक लूप दिया है, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ बट सेकंड वाले में लूप नहीं है। ये जस्ट इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। अगर अब सामने की बात की जाए तो यहाँ भी एक पॉकेट है, डबल जिपर पॉकेट है, काफ़ी डीप नहीं है बट ठीक ठाक है आपको ज़रूरत के हिसाब से। इंटरनल में जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप स्लीव्स है, लैपटॉप की स्लीव्स है, पैडिंग उतनी थिक नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं है, थिन पैडिंग है, लेकिन ठीक है इससे आपका काम चल जाएगा। स्पेशियस तो ऑब्वियसली काफ़ी नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि ये 65 लीटर, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा से। भाई एक बात की जाए इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में ये इस तरह का पाउच दिया हुआ है, बेल्ट जो आपके वेस्ट लाइन पे आके रुकेगा जो सेक्शन वहाँ के लिए। पैडिंग काफ़ी अच्छी है, थिक पैडिंग है, ये एडजस्टेबल शोल्डर पैड है, देखिए ये एडजस्टेबल है बिल्कुल, ये इस तरह से एडजस्टेबल है, ये खुल के या आप इसको ऊपर नीचे अपने शोल्डर के हिसाब से कर सकते हैं। आप कितना वेट ले रहे हैं, आप कितने पे कंफर्टेबल हैं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और ये मॉड्यूलर आप देखिए, अगर इसके बैक पैडिंग को देखिए तो ये मॉड्यूलर है ताकि आपको एयर फ्लो प्रॉपर रहे आपके आपके बैक पे, जब आप कहीं गर्मी वाले लोकेशन पे हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो एयर फ्लो आपका प्रॉपर होता रहेगा। उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि फिल्टर एयर वेंटिलेशन के को काफ़ी इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। ये वेस्ट लाइन का अगेन ये लूप, और आई थिंक कि ये डिटैच हो सकता है कि नहीं, मैं वो देखना चाहता हूँ। नहीं ये दोस्त, ये वेस्ट लाइन डिटैच नहीं होगा, ये वेस्ट लाइन इसी में रहेगा। अच्छा, काफ़ी चौड़ा ये लूप दिया गया, लॉक अच्छी क्वालिटी का है, और ये एक पाउच है आपके मोबाइल, हालांकि ये मोबाइल नहीं आ पाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके मनी और एक्सचेंज को रखा जा सकता है, हालांकि ये मोबाइल इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि 4 इंच से ज़्यादा मोबाइल नहीं आ पाएगा। अगर आपका मोबाइल 4 इंच से बड़ा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जो कि आम आजकल नॉर्मल 6.5 लोग यूज़ करते हैं मोबाइल के साइज़ जो रहता है, तो ये उस हिसाब से ये काम नहीं आने वाला आपको। जस्ट फॉर डेली यूज़ के लिए जो कैश या जो डेली नेसेसिटी उसको रख सकते हैं। तो बात की जाए शोल्डर के ऊपर, ये काफ़ी अच्छा लूप्स दिए हुए हैं, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं हिसाब से। सिमिलरली ये राइट साइड में भी साइड पॉकेट्स इसी हिसाब से दिए हुए हैं, एक में लूप है, एक में लॉक लूप है दोनों तरफ, जैसे कि मैंने आपको राइट साइड के बारे लेफ्ट साइड के बारे में बताया था मैंने। तो मिला जुला के बैग अच्छा है, 65 लीटर्स के हिसाब से मजबूत है मैं कहूँगा, इसकी फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है। तो ये डिपेंड करता आपके, आप जो जिस ट्रिप में जा रहे हैं वो ट्रिप कितना लंबा है, अगर 10-15 दिन का ट्रिप है तो मैं समझता हूँ ये 65 लीटर्स आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और ये कुछ
मैनुअल्स है, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं जब आप लेंगे। वारंटी की बात की जाए तो 12 मंथ्स वारंटी रहती है इन तरह इन बैगों में, 12 मंथ्स की वारंटी है इन बैग में। तो मिला जुला के ये बैग का लेंथ आ रहा है, मैं समझता हूँ कि 3 फिट से लंबा हो जा रहा है ये बैग लेंथ के मामले में। अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि लेंथ के हिसाब से तो ये 3 फिट से लंबा बैग हो जा रहा है। ओवरऑल बैग इज बैग की कंडीशन बहुत ही अच्छी, क्वालिटी बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है क्वालिटी। आप चाहें तो इससे ले सकते हैं, अगर आपका ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप हो, नेशनल ट्रिप हो, डोमेस्टिक ट्रिप हो, कोई सभी हो, 10-15 डेज के लिए ये परफेक्ट है ये बैग। और चलिए दोस्तों हम अब ट्रेवॉक खोलते हैं, देखते हैं ट्रेवॉक में हमें क्या मिलता है। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा सेकेंड बैग ट्रेवॉक 80 लीटर, चलिए मैं से चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अमेज़न 26 जनवरी का जो सेल था ये मैंने उसमें ख़रीदा, और इस बैग को परचेस करने का जो मेन मोटिव था वो ये था। हालांकि आपने देखा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मैंने ऑलरेडी एक बैग को सेलेक्ट कर लिया है और एक को रख लिया है, बट उस वक्त हमको ये ब्लू कलर जो मेरा फेवरेट था वो मुझे नहीं मिला था, तो इस बार लकीली मुझे ये ब्लू कलर अवेलेबल था, प्लस मुझे सेल में मिला। और आप ये समझिए कि मुझे 2000 में ये बैग मिल गया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिटेड था। अलग इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो तकरीबन 2200 से 2300 के बीच डिक्रीज और इंक्रीज होती है, बट ये क्योंकि 26 जनवरी सेल में था तो मुझे 2000 में ही मिल गया है। चलिए इसको खोल के देखते हैं, मैं जस्ट चेक कर लेना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो सही है, जो वापस नहीं करना पड़े, मैं नहीं चाहता इसे वापस करना। राइट दोस्तों, ये रहा ट्रेवॉक, ये मैं आपको बता देता हूँ वापस से, 80 लीटर है ये साइज में। तो इसका रिव्यू मैंने आपको दे चुका है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में इसके बारे में, ये सेम है, जस्ट जो कलर मुझे चाहिए था वो उस वक्त मुझे नहीं मिला, वो मुझे अब मिल गया, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ फीचर्स इसमें। अलग के ये फीचर्स आपको ट्रिपल 65 में नहीं था, जो इसमें है शू कंपार्टमेंट काफ़ी डीप है, आपके स्नीकर्स वगैरह आराम से आ जाएंगे इसमें। और सबसे बड़ी खासियत जो इसके ज़िप में है, ये जितने भी ज़िप हैं इनके, ये सारे YKK जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है एंड वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है ज़िपर में, ज़िपर ब्रांड में, ये सारे ज़िप जो इनके हैं वो YKK ज़िप हैं। मैं जस्ट फटाफट एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें इंटैक्ट है कि नहीं। हालांकि ये ब्लैक कलर का होता है नॉर्मली जो इनका रेनकोट रहता है, बट इसमें क्योंकि मैचिंग करके ही इन्होंने दिया है ब्लू कलर। अच्छा लगा मुझे काफ़ी देख के।
बेस में ये रबर पैडिंग है जो कि ट्रिपोल में नहीं है। बात की जाए साइड पॉकेट्स, तो मैंने आपको पिछली बार ही दिखाया था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, बहुत साइडी है। फैब्रिक में कोई फर्क नहीं है, जो फैब्रिक मैंने पिछली बार देखी थी वो सेम फैब्रिक ही है। यहाँ पे इनका नेट पॉकेट है, ये टॉप में आप देखिए, ये भी YKK जिप है। इंटरनल एक्सेस के लिए भी यहाँ पे एक जिप दिया गया है, जहाँ आप चाहें अपना लॉक लगा सकते हैं पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, जो कि आपको ट्रिपोल में नहीं है। तो मैं जैसे आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ, बाकी आप आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आप जो चाहें ले सकते हैं। पिछले दफ़ा भी देखा था, आप इसमें ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी रहेगा क्योंकि अंदर इंटरनल जो इनका वो काफ़ी ब्राइट कलर है। पिछले वाले में ब्लैक था अंदर का इंटरनल, तो वो दिख नहीं सकता था, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका लैपटॉप स्लीव है, आप देख सकते हैं ये कितना थिक है, जो कि आपके लैपटॉप को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा। आई एम रियली इम्प्रेस दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फैब्रिक क्वालिटी लगभग सेम है दोनों का ही, फीचर वाइज में थोड़ा एडवांस है ये, मैं कह सकता हूँ ट्रिवोक इज मोर एडवांस। बाकी चीज़ों को देखूँ तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये है कि ये बड़ा है। पैडिंग जैसे एयर फ्लो मैंने आपको उसमें दिखाया था, इसमें भी वैसे ही है, मोल्डेड है, हालांकि उतना थिक नहीं है, थोड़ा सा थिन है, मगर ये है कि ये काम करेगा, आपके एयर फ्लो में काम आएगा। इसमें फ्रंट जो आपके पाउच हैं वो डबल हैं, ट्रिपल में आपने देखा था सिंगल पाउच था, वो भी काफ़ी छोटा था, ये काफ़ी बड़ा है। आपके अगर 7 इंच अगर एक छोटा टैब है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। एंड ये बोथ साइड है, आप देखिए यहाँ भी जिप है, यहाँ भी जिप है, तो आपको दोनों जगह मिल रहा है ऑप्शन अपने एक्सेसरीज को रखने के लिए। ये अम्ब्रेला लोगो जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ये रहा इसका पैडिंग, ठीक है, बुरा नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। शोल्डर पैडिंग भी ठीक है, ठीक है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं एक ये पॉकेट है, और फिर आप जो मैंने आपको पहले बताया था एक बार पिछले वीडियो में कि इंटरनल एक्सेस के लिए फ्रंट में एक ये जिपर है, जिससे आप इंटरनल एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, जैसे आप अपने सूटकेस वगैरह ब्रीफकेस को खोलते हैं, आप उस तरीके से भी खोल के अपने सामान को निकाल सकते हैं बिना टॉप सेक्शन को यहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा रिव्यू दोनों ही बैग के बारे में, वो 80 लीटर्स, ट्रिपल 65 लीटर्स। आपका ट्रिप अगर शॉर्ट है डेफिनेटली आप ट्रिपोल ले सकते हैं, ट्रिपोल पे आप 65 लीटर इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपका ट्रिप लंबा है तो यू कैन गो फॉर 80 लीटर्स। फैब्रिक क्वालिटी दोनों के ही ओके हैं, फीचर्स में जो डिफरेंस है मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे मेरे चैनल को एडवेंचर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि और मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और किस तरह के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ, थैंक यू।